हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी इन किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट निकल के आ सकता है तो बात करें तो कंपनी का नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक और स्नोमैन लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो इनका जो बिजनेस है एक लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर वेयर हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो है इनका बिजनेस जो है इंक्लूडेड है प्राइम लोकेशंस इनकी जो है वेयर हाउसिंग जो इन जो कंट्रोल इनका जहां से जो बिजनेस जो होता है मुंबई चेन्नई बेंगलोर इधर के एरिया से जो है इनका जो है बिजनेस एक कंट्रोल जो है होता है एंड अगर बात करेंगे तो इनके जो प्रमोटर्स हैं लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स जो मौजूद हैं वो हैं गेटवे वे डिस्ट्री पार्क लिमिटेड तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स भी जो है वो भी लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर ही जो है, है वो भी। तो यहाँ पेयर हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कुछ वैल्यू सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेजमेंट के अंदर तो कंपनी की अगर बात करेंगे मैं आपके सामने जो है इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर बात करें तो मतलब फिलहाल अभी रिसेंटली जो है अगर बात करें सितंबर की तो सितंबर में इन्होंने जो है ये जो है अपना प्रेस रिलीज जो है निकाली थी कि एड ऑफ फेस्टिव सीजन स्नोमैन लॉजिस्टिक एक्सपेंड इट ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ इट्स टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउस एट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी जो है स्टे अलाइन कर रही है और किया है इन्होंने इट्स एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी विल बी ऑपरेशनल इन 17 सिटी विद 38 एट वेयर हाउसेज बाई अक्टूबर ट्वेंटी वन स्नोमैन इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग इट ई कॉमर्स वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन पुणे इन एडिशन टू इट्स फिफ्टी फोर थाउजेंड स्क्वायर फीट वेयर हाउस इन मुंबई तो उधर की तरफ जो है कंपनी एक अच्छा खासा जो है काम कर रही है इसी तरीके से जैसे अगर बात करें ए सिमिलर फैसिलिटीज अंडर कंस्ट्रक्शन एट पॉसिबिलिटी है, का है, है, है वो भी जो है स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन से जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे अगर बात करें तो कंपनी का जिस तरीके से ये जो बिजनेस जो फैला हुआ है हालांकि अगर बात करें तो लॉजिस्टिक सेक्टर में एक अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है अभी रिसेंटली जो एक अच्छी खासी एक रिसर्च जो निकल के आई है कि डिमांड फॉर लॉजिस्टिक स्पेस डिमांड फ्रॉम इंडिया लॉजिस्टिकली रोबर्ट सेवेंटी एट परसेंट ऑफ बेयर हाउसिंग ऑक्युपायर्स इन द एशिया पैसिफिक इंटेंट टू तो एक्सपेंड देयर रियल एस्टेट फुटप्रिंट इन द नेक्स्ट थ्री इयर्स तो अगर द डिमांड ऑफ लॉजिस्टिक स्पेस इन इंडिया रिमेन रिसाइलेंट इन द जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर ऑनलाइन रिटेलर एंड रिलेटेड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक फ्रॉम लेट दी लीजिंग डिमांड इन टर्न प्रिपेयरिंग फॉर ईयर एंड सेल्स प्रमोशन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट नेट ऑफ नाइन मिलियन स्क्वायर फीट अर्ड इन द सेप्टेबर क्वार्टर तो मतलब धीरे धीरे जिस तरीके से ऑनलाइन एक डिमांड जो बढ़ रही है ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है सेल जो जिस तरीके से जो है बढ़ रहा है उसमें जो बाइंग जो चल रही है एक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जो है डिमांड जो है बढ़ती हुई दिख रही है स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है बियर हाउसिंग सेजमेंट के अंदर जो है डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है ई कॉमर्स टू वो भी एक अच्छा खासा जो है लॉजिस्टिक डिमांड को जो है बढ़ाने में मदद कर रहा है और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि ये लॉजिस्टिक डिमांड और अच्छे से जो है कंटिन्यूड जो है और बढ़ती हुई नजर आएगी आने वाले टाइम के अंदर अब बात ये है कि ये क्या बाकी में ये कंपनी इस तरीके से जो है जिस तरीके की जो डिमांड है जिस तरीके का जो है काम है जिस तरीके का सेक्टर है उसमें जो डिमांड जो चल रही है क्या बाकी में उसको ये एक कैचअप करती हुई नजर आ रही है या आएगी या उस तरीके का वाकई में ये एग्जीक्यूशन जो है कर रहे हैं उसमें या नहीं कर रहे हैं ये देखने वाली बात है तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कंपनी जिस तरीके से जो है कोल्ड चेन एंड इंटीग्रेटेड टेम्परेचर लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर है ये एंड यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक जिस तरीके से इनका ये सारा का सारा लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो ये काम जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उतना जो है इनका एक फिट नहीं बैठ पा रहा है काम मैं आपके सामने जो है इनके भी परफॉर्मेंस रखूंगा प्रीवियस इयर्स के आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ जो है गड़बड़ी जरूर जो है देखने को मिल रही है अब जैसे कि कि ये बोल भी रहे हैं स्नोमैन है एक्सपेंडेड इन देयर एग्जिस्टिंग लोकेशन मुंबई एंड कृष्णापट्टनम एक्सपेंशन इन पलवल अंडर कंस्ट्रक्शन एडिंग सेवन ट्वेंटी पैलेट तो इस तरीके से आप जैसे कि इन्होंने जो है चेयरमैन जो है उन्होंने बोला भी है कि आई आई एम हैप्पी आर स्मॉल पॉज and they are back uh, with their expansion strategy the expansion in the existing locations are to take care of addition volume from customer and the new location are helping um, them offer uh, larger geography to their customer सही है ठीक है उस तरीके से जो है कंपनी काम कर रही है बढ़िया है आगे जो है परफॉर्मेंस जो है सुधरने की हालात की तरफ जो है कंपनी काम कर रही है यहाँ पे अगर ईपीएस की बात करी जाए तो की है और बहुत ही छोटा सा मार्केट कैप है सिक्स फोर्टी नाइन सी आर का इनका कोई ज्यादा बड़ा मार्केट कैप भी नहीं है वन थाउजेंड का भी मार्केट कैप नहीं है टेन की फेस वैल्यू है इसकी यहाँ पे अगर बात करेंगे मैं आपके सामने इनकी जो है एनुअल परफॉर्मेंस रखूं तो एनुअल परफॉर्मेंस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ खास देखने को आपको नहीं मिलेगा बहरहाल ये जरूर है कि कांस्टेंट जो है परफॉर्मेंस इनकी रह रही है 19 20, 19 20 21 से 20 21 में कांस्टेंट परफॉर्मेंस आई है 17 18 में इनकी परफॉर्मेंस लेकिन 17 18 में जो परफॉर्मेंस चल रही थी उससे थोड़ा बढ़ी हुआ है उन्नीस बीस इक्कीस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी में सत्रह अठारह में कंपनी जो है लॉस में रही है उन्नीस में एक बार प्रॉफिट में आई है मतलब पिछला पांच साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखो कि एक बार बस प्रॉफिट में में है ये है वरना कंपनी जो लॉस रही है इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं डेप्ट देखेंगे तो दो हजार बीस के बाद जिस तरीके से जो कंपनी सोच रही है उसी वजह से जो है डेप्ट बढ़ी है क्वार्टर क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे अगर इनका धीरे धीरे करके यहाँ पे ग्रोथ जरूर आपको दिखेगी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में वही यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल जीरो है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक देखने वाली एक चिंता वाली बात है कि कंपनी की जो है परफॉर्मेंस अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये जून और सितंबर का जो क्वार्टर गया है इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक प्रॉफिटेबिलिटी में आपको यहाँ पे दिखाऊं तो कंपनी जो है 2020 में बिल्कुल जीरो रही है यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं आया है अब जून सितंबर का क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो वहां भी जीरो है आप देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट टू क्वार्टर कैसे रहने वाले हैं वहां पे अगर आपका एक करोड़ या दो करोड़ अगर कुछ अगर ऐसा आता भी है तो उसमें भी कोई एक बढ़िया कोई परफॉर्मेंस देखने वाली बात नहीं होगी कंपनी को जो है एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाना होगा एक ट्रैक रिकॉर्ड इनको एक अच्छा बनाना पड़ेगा स्टैगर्ड वे में एक बढ़िया तरीके से जो है कंपनी को एक ग्रोथ दिखानी पड़ेगी चार क्वार्टर पांच क्वार्टर छह क्वार्टर लगातार जो है ग्रोथ दिखानी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों की तरह जो है ग्रोथ आनी चाहिए धीरे 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 करके जो है ग्रोथ आनी चाहिए अचानक एक जंप नहीं आना चाहिए पॉसिबिलिटी अगर वैसा अगर करती है तो बाकी में स्टॉक बढ़िया भागेगा अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो यहीं की यहीं यहीं के के यहीं ये घूमता फिरता रहेगा कुछ ज्यादा खास कुछ इसमें होने जाने वाला नहीं है तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एफ आपको आई के पास में होल्डिंग इसमें मौजूद नहीं है टोटल पब्लिक और प्रोमोटर्स के पास में सारी होल्डिंग ज्यादातर जो है मौजूद है प्रोमोटर की गेट वे डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास में करीब देखेंगे तो चालीस से ज्यादा जो है होल्डिंग मौजूद है और आप देखेंगे यहाँ पे तो इनकी अगर मैं आपके सामने आर रखूं तो आरओं कुछ नहीं है जीरो आर है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप हमारा अगर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अगर ज्वाइन करना है तो आप हमें जो है टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर बात करेंगे स्टॉक स्टॉक का का चार्ट चार्ट पैटर्न पैटर्न भी सेम वही जो राम कहानी दिखा रहा है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में जो है ये स्टार्टिंग जब इसकी हुई थी जब लॉन्च हुआ था तो उसके बाद में देखेंगे 2014 में इसने जरूर जो है ये तीन कैंडल जरूर जी अपसाइड की जो है बनाई है उसके बाद में ऐसा रुझान बहुत ही कम देखने को मिला ये तीन कैंडल फिर ये दो रेड ये दो ग्रीन कैंडल फिर ये कुछ कैंडल्स बनी है अदरवाइज देखोगे तो सारा का सारा रेड कैंडल से ही भरा पड़ा है इसका 2014 से लेके 2021 तक सारी की सारी आपको जो है रेड कैंडल ही ज्यादा से ज्यादा दिखेंगी पहले का ही अगर ट्रैक रिकॉर्ड ले लें देख सकते हैं आप यहां पे ये इसने जो है हाई लगाया था उसके बाद में फिर इसने जो है ये लो लगाया था ये लो लगाने के बाद में फिर देखेंगे जब इसकी अपसाइड अगर आप देखेंगे उस समय 2016 के आसपास तो अपसाइड इसकी जो जो गई थी 50 की रेजिस्टेंस तक है गया स्टॉक अपने आसपास रेंज तक ही गया उसके ऊपर नहीं निकल पाया यहां से फिर देखेंगे तो इसमें जो है डाउनफॉल्ट देखने को मिली तो बेहतरीन डाउनफॉल जो है डाउनफॉल जो है इसमें देखने को मिला तो अभी देखेंगे तो स्टॉक देख सकते हैं अभी भी बिल्कुल मराई पड़ा है यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक का जो है मैं आपके सामने जो है इसका एक परफॉर्मेंस देखते हैं यहाँ पे जिस तरीके से जो है इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अब की बार तो ये जस्ट ओनली 38.2 एट पॉइंट तक ही जो है गया वहां से देखेंगे तो फिर से इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है तो यहाँ पे अगर कोई अगर खरीदारी अब यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं वैसे तो यहाँ पे जो है ये ग्रीन कैंडल जो है बनती हुई नजर आ रही है होपफुली हो सकता है कि यहाँ से ये रिवाइवल करे होपफुली हो सकता है कि यहीं की यहीं की यहीं की, फिर से जो है इसमें नाटक चलते रहेंगे तो लेकिन एक एरिया ऐसा है ये कि यहाँ पे अगर बात करी जाए अगर लॉन्ग वे के लिए अगर कोई रखना भी चाहता है या किसी को अगर लेना भी है किसी को अगर अच्छा लग रहा है कि वाकई में बिजनेस जो है इसका जो है आगे सरवाइव कर सकता है रिवाइवल इसमें देखने को मिल सकता है देखेंगे तो वैसे 2021 सारा का सारा देखेंगे तो डाउनफॉल में ही गया है अब क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो है ये थोड़ा बहुत सर्वाइवल कर सकता है रिवाइवल इसमें हो सकता है तो यहाँ पे जो है बिल्कुल आपको ये वाली जो कैंडल इससे पहले की जो कैंडल बनी है बस इसी का ही आपको जो है एक लो पॉइंट लगाना चाहिए लो पॉइंट जो इसका रहेगा यहाँ से दो तीन रुपए है कोई ज्यादा नीचे का आपको जो है स्टॉप लॉस नहीं लगाना है एक चांस लिया जा सकता है अगर कुछ अगर पॉसिबिलिटी है जिस तरीके से एक्सपेंशन की जो बोल रहे हैं कि यहां से अगर कुछ चमत्कार अगर हो जाए तो एक चांस जरूर जो है लिया जा सकता है थर्टी सिक्स का एक रुपये और नीचे लगा लो थर्टी फाइव का एक स्टॉप लॉस लगा के जो है चल सकते हो आप यहां पे अगर ये रिवाइवल अगर करता है अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस दिखा सकता है हो सकता है यहाँ से करीब करीब जी आपको जो है साठ रुपए या छियासठ रुपए मतलब दोबारा से ये इसी को जो है टच करता हुआ दिखे अगर यहाँ पे इसको अगर ये कट कर देता है तो कोई बात ही नहीं है दो तीन रुपए का आपको जो है लॉस है कोई दिक्कत नहीं है छोटा सा एक अमाउंट आप जो है डाल के देख सकते हो कि बाकी में ये वर्कआउट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है उसके नीचे अगर निकलता है बिल्कुल आपको जो है निकल जाना चाहिए एक छोटा मोटा आप अमाउंट जो है डाल के रख सकते हो अगर बाकी में अगर कुछ आपको अगर लग रहा है कि हाँ नहीं और जिसके पास में ऑलरेडी ये स्टॉक पड़ा है मेरे हिसाब से जो है आपको यहाँ से किसी अदर स्टॉक में जो है मूव करना चाहिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा लॉजिस्टिक सेक्टर में डिमांड है ये उसको जो है कैचअ नहीं कर पा रहा है इससे बेटर है कि ऊपर की अपसाइड वाली जो जो अपर क्लास जो कंपनियां हैं उनमें आप जो है पैसा लगाएं उन स्टॉक्स में आप पैसा लगाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा इसी के भरोसे अगर बैठे रहे तो कहीं ऐसा ना हो आपका सेक्टर में डिमांड बनी रही और सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऊपर के स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और ये कर ही नहीं रहा है तो इससे बेटर ये है कि थोड़ा सा अपना एक उसी हिसाब से जो है आप एक अपना एग्जीक्यूशन करें और उसी हिसाब से जो है आप अपना जो है फोकस करें अपने स्टॉक के ऊपर तो यहाँ पे जो है बिल्कुल एक छोटा सा एक स्टॉप थर्टी फाइव रुपीज थर्टी सिक्स रुपीज का उसके नीचे जाता है बिल्कुल आप निकल जाए मेरे हिसाब से तो वैसे इसमें जो है बाइंग ना भी करें तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स पड़े हैं इस अगर बात करिए लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर उनमें आप अपना पैसा लगाए चल भी रहे आपको साफ जो है दिख जाएंगे इस सेक्टर के अंदर उनमें पैसा लगाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें उसके बाद ही स्टॉक को बाई से लिया होल्ड करें और स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें थैंक यू